हे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लंबी दौड़ सिर्फ लंबी नहीं होती लेकिन कष्टमय भी होती है, ऐसी ही दौड़ ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न से सिडनी तक 890 किलोमीटर की थी। इससे 150 विश्व स्तरीय खिलाड़ी आकर्षित हुए, लेकिन ऐसी बात घटी जो कोई भूल नहीं सकता। 1983 में क्लिफ यंग नामक एक 61 वर्षीय आलू किसान ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। लोग बहुत आश्चर्य हुए क्योंकि उनके जूते रबड़ के थे। जब दौड़ शुरू हुई, सब खिलाड़ी आगे निकल गए, यकीनन क्लिफ यंग पीछे रह गए। वो धीमी गति से दौड़ रहे थे लेकिन लगातार दौड़ते रहे। आमतौर पर 7 दिन की इस दौड़ में 18 घंटे खिलाड़ी दौड़ते हैं और 6 घंटे सोते हैं। ये बात क्लिफ को किसी ने नहीं बताई थी। जब रात के दौरान अन्य खिलाड़ी आराम कर रहे थे, क्लिफ लगातार दौड़ता रहा। कुछ लोगों को डर लग रहा था कि इस बूढ़े क्लिफ को दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए वे पागल बूढ़े क्लिफ पर तरस खाकर वो आयोजकों से कह रहे थे कि वे उसको रोके। दौड़ की आखिरी रात के दौरान क्लिफ ने सभी विश्व स्तरीय खिलाड़ी को पार किया। न केवल क्लिफ ने 890 किलोमीटर की यह दौड़ बिना मरे पूरे की, उन्होंने अभिलेख तोड़कर बाकी खिलाड़ियों के 9 घंटे पहले यह दौड़ खत्म करके आगे चलकर राष्ट्रीय नायक बने। आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्होंने उसे बताया कि उसने 6,40,000 रुपए का इनाम जीता, उसे ये पता नहीं था और उसने ये इनाम बाकी खिलाड़ियों के साथ बांटने का फैसला किया। जब पूछा गया कि पूरी रात तक वो कैसे दौड़ता रहा, क्लिफ ने कहा कि वो ऐसे खेत पर बड़ा हुआ जहां पर उसके पास 2,000 पशु थे। क्योंकि वो घोड़ों को खरीद नहीं सकता था, वो दौड़कर पशुओं को इकट्ठा करता था। कभी कभी 2-3 दिन लगातार दौड़ता था, इसलिए पूरे दौड़ में उसने सोचा कि वो पशुओं का पीछा करके उनको तूफान से बचा रहा है। क्लिफ का रहस्य यह था कि जब बाकी के सो रहे थे, वो दौड़ रहा था। बाइबल कहती है कि दौड़ तेजी से जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा है जो कछुआ और खरगोश एसाप के दृष्टांत जैसा है। कछुआ लगातार चलता रहा। यीशु मत्ती 24:13 में कहते हैं, वह जो अंत तक धीरज धरता है उसी को बचा लिया जाएगा। दौड़ में आप फिसल और गिर सकते हैं, खराब शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन ईसाई दौड़ में मुख्य बात दौड़ को अच्छी तरह खत्म करना है। दोस्तों, दौड़ते रहो, हार ना मानो। दोस्तों, जो आपने देखा अगर वो अच्छा लगा हो तो आप कृपा करके अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया चैनल पर सब्सक्राइब करें।